दोस्तों, क्या टिकटॉक इंडिया में बैन होने वाला है? करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव सहानी और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि टिकटॉक को लेकर इस समय इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है हिट हो रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में कैरी मिनाटी यूट्यूबर की तरफ से, जिसको कि आप लोग जानते ही होंगे, उन्होंने एक वीडियो बनाया था टिकटॉक को लेकर, जिसमें कि यूट्यूब और टिकटॉक को दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को इतना तेज़ी से वायरल होते हुए जो है आज तक किसी ने नहीं देखा था। इस वीडियो को डालते ही इस पर जो है एक ही दिन में 25 मिलियन व्यूज आ चुके थे। और कैरी मिनाटी ने उस वीडियो में जो है कहा था कि टिकटॉक को इंडिया में बैन करना चाहिए और इस पर जो है ऐसे ऐसे लोग जो है बहुत जल्दी फेमस और पॉपुलर हो जा रहे हैं, जिनका कि कहीं भी अता पता नहीं रह रहा है। तो दोस्तों, इसी को लेकर आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि टिकटॉक क्या इंडिया में बैन हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो जाएगा? तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक को आए हुए लगभग 2 से 3 साल हो चुका है इंडिया में। दोस्तों, आज जो है टिकटॉक पे बहुत ही तेज़ी से लोग पॉपुलर हो रहे हैं, और ये क्यों हो रहे हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं चलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि टिकटॉक को बैन करने की मांग क्यों हो रही है। तो सबसे पहले टिकटॉक को लेकर मैं आपको बता दूँ कि जो इसके जो है नुकसान है वो क्या हैं, जो कि हम लोगों के ऊपर जो है असर डाल रहे हैं। दोस्तों, जो टिकटॉक है एक शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है, जिसमें आप शॉर्ट वीडियो बनाकर जो है अपने बातों को, अपने टैलेंट को जो है रख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम जो है उस पर खुद का जो है टैलेंट नहीं रखते हैं। टिकटॉक पे 95% जो है कॉपीराइटेड कंटेंट होते हैं, वो किसी और के सॉन्ग पे जो है लिपसिंग डांसिंग करके लोग जो है पॉपुलर हो रहे हैं। केवल 5% लोग ऐसे हैं जो कि खुद का कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि एजुकेशन टाइप का कंटेंट है या टेक टाइप का कंटेंट है, ऐसे ही लोग जो है टेक कंटेंट बना के जो है टिकटॉक पर अपने जो है अपने दम पर पॉपुलर हुए हैं। तो इसीलिए दोस्तों, कैरी मिनाटी ने जो है इस वीडियो को बनाया था कि टिकटॉक को जो है इंडिया में बैन होना चाहिए, और वो वीडियो शायद जो है डिलीट हो चुकी है यूट्यूब से। और जो है इसको लेकर काफ़ी जो है टिकटॉकर, जो बड़े बड़े टिकटॉकर हैं, उन्होंने भी जो है वीडियो बनाया था, और मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये क्यों हो रहा है। दोस्तों, आज के समय में जो टिकटॉक है वो पूरे इंडियन यूजर को, जो भी इंडिया में टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाला जो है ऐप्स बनता जा रहा है। ये भले ही टिकटॉक यूज करने वालों को पता ना चले, लेकिन जल्द ही जो है टिकटॉक सभी को इतना ज़्यादा अपने में कवर कर लेगा, और कर भी रहा है। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि टिकटॉक के जुनून में लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लोग अपने टैलेंट को दिखाने के लिए किसी के गाने पर जो लिपसिंग कर रहे हैं, किसी गाने पे डांस कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, टिकटॉक पर आपको बहुत ही चित्र विचित्र जो है वीडियो देखने को भी मिलेंगी। कभी कभी दोस्तों, हम इस पर जो है स्क्रॉल करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, तो वहाँ पे जो है कई गलत कंटेंट भी आ जाते हैं, जिससे कि हम लोग जो है परेशान हो जाते हैं, और हमारे यूथ जनरेशन पर जो है इसका गलत असर भी पड़ रहा है। तो इसी को लेकर जो है टिकटॉक को बैन करने की मांग उठ रही है। और जो है ट्विटर पर इस समय टिकटॉक बैन का जो है ट्रेंडिंग कर रहा है। आपको मैं बता दूँ कि अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो ट्विटर पर जाकर केवल टिकटॉक बैन जो है टाइप कीजिए, आपको ढेर सारे जो है यूट्यूबर और वहाँ पर ढेर सारे जो है सपोर्टर की वीडियो देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि प्रेस रावल ने भी जो है टिकटॉक को बैन करने की मांग को लेकर कल को जो है अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया था। मैंने भी उनका ट्विटर जो है अकाउंट से ट्वीट को देखा था। तो ऐसे ऐसे लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए। मैं बता दूं दोस्तों कि पहले टिकटॉक इतना पॉपुलर नहीं था, और ना ही टिकटॉक को लोग इतना भाव देते थे। हुआ क्या कि जब कोई ऐप्स जो है लॉन्च होता है, तो उसकी जो है एक्टिविटी लोग देखते हैं और उसमें जो है अपने काम को करने की कोशिश करते हैं। और टिकटॉक ने पहले शुरू में किया क्या कि पहले अपने फ़ैन फॉलोइंग को बढ़ाया। उसने सबसे पहले जो है लोगों को जोड़ा, धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते सबसे पहले लोगों की वीडियो को वायरल करना स्टार्ट किया। वीडियो वायरल होने के बाद दोस्तों लोग पॉपुलर होने लगे, और लोग एक दूसरे को जो है जानने लगे, और इसी की वजह से जो है टिकटॉक जो है इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ा लिया कि इसकी जो है फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड में शायद सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि इसी का जो है इसको फ़ायदा मिल रहा है, और ये एक चाइनीज कंपनी है, जिसका कि हम लोग बहिष्कार कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है चाइना के सामान या प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हेट हो रहा है इस समय, क्योंकि चाइना जो है बहुत ही ऐसे ऐसे चीज़ों को या बहुत ही ऐसे ऐसे प्रोडक्ट या ऐप्स को जो है इंडिया में लॉन्च कर रहा है, जिससे कि हमारे देश के लिए जो है नुकसान हो सकता है। तो इसी को लेकर जो है दोस्तों टिकटॉक को बैन करने की जो है मांग चल रही है। तो अगर आप लोग भी टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा कि टिकटॉक पर जो है केवल 15 से लेकर या 1 मिनट की वीडियो अपलोड की जाती है, जिस पर कि
आप अपने मनपसंद कंटेंट को जो है वहाँ पे डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक ऐप में कहाँ कहाँ पर कमी है और इसको क्यों बैन करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप अपने स्मार्टफोन में टिकटॉक ऐप को इंस्टॉल किए हैं तो आपको वहाँ पर जो भी वीडियो आप देखते हैं वहाँ पर सिर्फ जो भी क्रिएटर अपना कंटेंट डालता है वहाँ पर सिर्फ लाइक या हर्ट का जो है आपको ऑप्शन मिलता है, मतलब सिर्फ हर्ट उसको दे सकते हैं अगर आप उसके कंटेंट को जो है प्यार करते हैं या उसके कंटेंट को जो है लाइक करते हैं। तो वहाँ पर हर्ट का ऑप्शन रहता है, हर्ट पर क्लिक करते हैं उसको एक हर्ट मिल जाता है जिससे कि हम उसी से पहचान में आ जाता है कि वो कंटेंट किस टाइप का है। तो यहाँ पे दोस्तों टिकटॉक के अंदर कोई भी डिसलाइक बटन नहीं है जैसा कि आप लोग जो है यूट्यूब पर देखते होंगे कि लाइक और डिसलाइक बटन दोनों रहता है। तो क्रिएटर कंटेंट जो है दोस्तों केवल टिकटॉक पर इसलिए वीडियो अपलोड करता है क्योंकि उसे लोग हर्ट देते रहते हैं और जिससे कि उसको लगता है कि वो जो कंटेंट जो है अपलोड कर रहा है टिकटॉक पर वो जो है उसके अनुसार जो है बहुत ही अच्छा है, इसीलिए लोग जो है पसंद कर रहे हैं। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि टिकटॉक को अपने ऐप के अंदर जो है डिसलाइक बटन भी देना चाहिए जिससे कि लोगों को पता चले कि हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो किनको पसंद आई और किनको नहीं पसंद आई। और वहाँ पे सिर्फ इसने जो है एक लाइक बटन देकर इससे जो है अपना एक प्लस पॉइंट रखा है ताकि क्रिएटर जो है उस पर और तेज़ी से बढ़ें, ताकि उनको जो है मन में केवल पॉजिटिव थिंक रहे और उनको जो है कोई भी गलत कंटेंट भी अगर अपलोड कर देते हैं तो वो ऐसे ही रेगुलरली जो है अपना कंटेंट अपलोड करने की जो है इच्छा रखने लगते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों टिकटॉक जो है एक कमी ये है कि इसमें जो है डिसलाइक बटन नहीं है, केवल हर्ट बटन है। तो इस वजह से जो है टिकटॉक को इसको जो है इम्प्रूव करना चाहिए या तो सुधारना चाहिए, और इसी की वजह से जो है दोस्तों और भी इस पर चर्चा चल रही है कि इसको बैन कर देना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि टिकटॉक को बैन करने का जो दूसरा रीज़न है वो यह है कि इसमें जो है कोई भी कभी भी जो है अगर हम वीडियो देखते हैं तो कोई भी टाइप की वीडियो वहाँ पर चलने लगती है। इसका एल्गोरिथम सिस्टम बहुत ही घटिया है। जैसा कि आप अगर YouTube का इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम जो है एजुकेशन या जो है कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं या हम जो है केवल मूवी या फिर जो है वहाँ पे कार्टून देखना पसंद करते हैं तो आप देखेंगे कि सजेशन में भी हमको उसी टाइप का जो है वीडियो सजेस्ट की जाएंगी। अगर दोस्तों हम मूवी देखने की जो है यूट्यूब पे शौकीन है तो केवल हमको मूवी की ही वीडियो की लिस्ट जो है शो की जाएगी, या कार्टून या जो है हम कुछ भी सॉन्ग देखने की जो है वहाँ पे चाहते हैं तो उसकी जो है लिस्ट हमको सजेस्ट की जाएगी। लेकिन टिकटॉक पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। टिकटॉक का एल्गोरिथम बहुत ही गंदा है। इस पर जो है दोस्तों कभी भी कोई भी वीडियो आपके सामने आ जाएगी जिससे कि आपको कभी कभी शर्मिंदगी का भी महसूस होता होगा, क्योंकि अगर हम टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो उस पर होता है कि वीडियो को स्क्रॉल करते जाओ और वीडियो आती रहती हैं, और उसमें जो है अगर कोई बच्चा, मान लीजिए कि कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा या 15 साल से कम उम्र का बच्चा जो है टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको जो है वो बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती हैं उस टाइप की वीडियो। तो दोस्तों टिकटॉक को दूसरे मैटर पर इस वजह से बैन करना चाहिए क्योंकि इसका एल्गोरिथम बिल्कुल भी यूट्यूब की तरह नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि चाइना के लोग जो है ऐसा एल्गोरिथम बना ही नहीं पाएंगे। जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो बहुत ही माइंडेड लोग जो है उसको क्रिएट किए हुए हैं, और टिकटॉक का एल्गोरिथम जो है चाइनीज लोग क्रिएट किए हुए हैं। इसको जो है अपने अनुसार केवल पॉपुलर और पैसे और बिजनेस करने के लिए जो है इसका एल्गोरिथम बनाया गया है ताकि कोई भी आम यूजर इस पर आए तो उसकी जो है वीडियो जल्दी से वायरल कराई जाए और जो है कोई भी वीडियो उसके सामने दिखाकर और भी लोगों को जो है जोड़ा जा सके। तो जो है टिकटॉक का एल्गोरिथम जो है एकदम घटिया है। आप बोल सकते हैं कि जो है ये इस मामले में बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता है कि आपको जो आप देखना चाहते हैं वही चीज़ें आपको दिखाई दें। और हम जिस भी यूजर का इसमें जो है वीडियो देख लेते हैं अक्सर आप देखेंगे कि उसी यूजर की वीडियो आने लगती है, और इसमें बस इस टाइप से एल्गोरिथम चलता है कि यूजर की हम अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो उसी यूजर से रिलेटेड वीडियो हमको देखने को मिलती है, लेकिन यूट्यूब पर जो टाइप की वीडियो हम देखना चाहते हैं उस टाइप की वीडियो हमको सजेस्ट की जाती है। तो ये इस वजह से जो है टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए इंडिया में। तीसरा रीज़न है दोस्तों कि ये जो है चाइल्ड को लेकर जो है कोई भी सिक्योरिटी इसमें नहीं है। हम मानते हैं कि इसमें जो है पेरेंटल सिक्योरिटी दिया गया, लेकिन इतना भी ये कामगार नहीं है। अगर हमारा बच्चा जो है या आपके घर का बच्चा जो है अगर टिकटॉक इस्तेमाल कर रहा है तो वो जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, मान लीजिए सर्च कर रहा है, वीडियो को स्क्रॉल कर रहा है, कभी भी उसमें कोई भी वीडियो आ जाती है तो जिससे कि इस पे चाइल्ड पे जो है इसने जो है कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है और इसकी प्राइवेसी को लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं, और ये चाइल्ड के लिए जो है बहुत ही नुकसानदेह है टिकटॉक। तो ये जो है तीसरा रीज़न है कि इसको बंद कर देना चाहिए। और चौथा रीज़न दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो टिकटॉक है ये जो है आपको कोई भी अपनी बातों को वहाँ पर रखने का जो है फ्रीडम नहीं देता है। टिकटॉक दोस्तों सिर्फ अपनी ही बातों को अगर आप वहाँ पर रखेंगे, जैसे कि आप वहाँ के उस ऐप के बारे में अगर कोई गलत बातें बोलते हैं या चाइना का ये ऐप है तो चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में अगर कुछ रॉन्ग बोलते हैं तो आपका जो है टिकटॉक वीडियो बैन कर दिया जाएगा, या आपका टिकटॉक अकाउंट बैन कर दिया जाएगा, या आपका टिकटॉक वीडियो जो है रिमूव कर दिया जाता है। ऐसा इसमें टिकटॉक में है। अगर आप टिकटॉक के खिलाफ कोई भी जो है
बात उठाते हैं तो इसमें जो है आपकी वीडियो जो है बैन कर दी जाती है या रिमूव कर दी जाती है, तो इसमें जो है आपको फ्रीडम नहीं मिलती अपनी बातों को रखने का। लेकिन यूट्यूब है दोस्तों, इसमें आपको जो है फुल फ्रीडम मिलती है, इसमें आप किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, इसमें जो है थोड़ी ज़्यादा वल्गरिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं या आप किसी को हर्ट नहीं पहुंचा सकते हैं मेंटली। हाँ, आप किसी के बारे में अपनी बातों को अपने विचार को रख सकते हैं यूट्यूब में। तो दोस्तों, यूट्यूब जो है एक बहुत ही फेमस और इसका एल्गोरिथम बहुत ही तगड़ा है, और YouTube जो है TikTok से कई सालों से ही मार्केट में बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप YouTube पर YouTube के बारे में भी गलत अनाप शनाप बोल देते हैं तो भी YouTube जो है आपके वीडियो को अप्रिसिएट करता है, प्रमोट करता है, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं। YouTube दोस्तों हमेशा अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करता है और जो है उसको इम्प्रूव करता रहता है। लेकिन TikTok में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप TikTok के बारे में कुछ भी गलत बोलेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे या चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कुछ भी बोलेंगे, तो ये जो है आपके वीडियो को जो है प्रोग्रेस को रोक देगा या आपके वीडियो को प्रमोट करना बंद कर देगा या आपके वीडियो को रिमूव कर देगा या आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है। तो दोस्तों, इस वजह से जो है TikTok पर जो है फुल आज़ादी नहीं मिलती है आपको अपनी बातों को रखने का। तो ये चौथा कारण है कि TikTok को बैन कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी को लेकर कैरी मिनाटी ने एक वीडियो बनाया था जिस पर कि एक टिकटॉकर से उनका जो है थोड़ा बहस भी हुआ था और उन्होंने जो है कुछ अनाप शनाप भी उसको बोला था, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड मिला था और इस वीडियो को शायद अब YouTube से जो है रिमूव कर दिया गया है। और इसे जो है TikTok की रेटिंग अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद जो है सभी इंडियन जो है यूट्यूबर या जो भी इंडियन ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन जो है काम करने वाले लोग हैं, सभी लोगों ने सपोर्ट किया है इस वीडियो को कैरी मिनाटी के। और जो है TikTok की रेटिंग अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर चेक करते हैं तो 4.6, जो कि पहले 2020 में इसकी जो है रेटिंग 4.6 चल रही थी, सबसे ज़्यादा रेटिंग जो है TikTok ऐप को मिली थी पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अब जो है TikTok का रेटिंग प्ले स्टोर पर 1.0 समथिंग हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के जो है यूजर कितने ज़्यादा हेट कर रहे हैं TikTok से, और बहुत ही जल्द हो सकता है कि TikTok को बैन करने की न्यूज आ सकती है। मैं मानता हूँ कि TikTok पर बहुत बड़े बड़े क्रिएटर जो है निकले हैं, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो TikTok से क्रिएटर निकलते हैं वो YouTube पर आते हैं। जो भी TikTok पर फेमस होता है वो YouTube पर आकर जो है चैनल बनाता है ताकि बहुत जल्दी इनकम कर सके, क्योंकि TikTok तो डायरेक्टली आपको पैसा देता नहीं है। वहाँ पे केवल आप फेमस हो सकते हैं, सेलिब्रिटी टाइप का जो है आपसे व्यवहार हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, और उसके बाद जो है आपको जो भी प्रमोशन मिलेगा, जो भी आपको एडवर्टाइज मिलेंगे, उससे आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन YouTube पर ऐसा नहीं है। YouTube पर आप अपनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ग्रो करते हैं, उसके बाद YouTube आपको खुद पैसा देता है आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन TikTok पर ऐसा कुछ भी नहीं है, TikTok पर्सनली जो है आपको पैसा नहीं देता है, और इस पर जो है बहुत जल्दी लोग पॉपुलर नहीं होते हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि 8-9-10 साल के बच्चे भी TikTok यूज कर रहे हैं, TikTok पर वीडियो बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो बहुत ही जल्द पॉपुलर हो जाएंगे, बहुत ही जल्द सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर कोई TikTok पर सक्सेस नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप भी TikTok का इस्तेमाल कर रहे हैं या कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि TikTok हो सकता है कि जल्द ही इंडिया में बैन कर दिया जाए। अभी इसको लेकर कोई भी न्यूज़ नहीं आई, लेकिन जितनी जल्दी तेज़ी से इसका जो है रेटिंग डाउन हुआ है प्ले स्टोर पर, आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 4.6, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर वन रेटिंग पाने वाला TikTok ऐप्स था, अब जो है 1.0 पर आ गया है। तो जैसे इसकी रेटिंग डाउन होगी, हो सकता है कि प्ले स्टोर से इसको हटा दिया जाए और ये जो है बैन कर दिया जाए इंडिया में। काफ़ी बड़े बड़े एक्टर भी सामने आए हैं, और TikTok अभी तक संभला हुआ है तो केवल बड़े बड़े सेलिब्रिटी की वजह से, क्योंकि इस पर जो है इसने किया क्या है कि लोगों को जोड़ा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को इस पर लाया है ताकि आप लोग जो है हमारे TikTok को यूज करें, TikTok प्लेटफॉर्म को यूज करें। और सेलिब्रिटी जानते हैं दोस्तों कि उनके पास समय नहीं रहता है, तो वो लोग जो है शॉर्ट वीडियो बनाकर जो है हमेशा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, आपका इंटरटेनमेंट करते रहते हैं। तो जिस वजह से संभला हुआ है केवल सेलिब्रिटी की वजह से है, और ये सभी का अकाउंट वेरीफाइड किया हुआ है ताकि जो है अगर ये जब डूबे TikTok तो ये लोग उसको संभालने के लिए सामने आएँ और इसको जो है बचा लें। तो इसीलिए इसने जो है बहुत ही बड़ा गेम खेला है कि पहले सेलिब्रिटी को इस पर जोड़ लो ताकि हम जब डूबे तो शायद ये लोग बचाने के लिए सामने आएँ। लेकिन जो है एक यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने जो है पूरा हिला के रख दिया है TikTok को, और आप वो वीडियो शायद अगर यूट्यूब पर आपको मिलेगी तो वो देख लीजिएगा, लेकिन वो वीडियो YouTube से डिलीट कर दी गई है। और काफ़ी ज़्यादा बहस हुआ था इस वीडियो को लेकर, और इसके बाद पूरी YouTube कम्युनिटी इंडिया की जो है एकजुट हो गई है और जो है हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि TikTok को बैन किया जाए, #TikTokBan ये ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यही रीज़न है कि TikTok को बैन किया जाए। इसमें कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, कोई भी आपको प्राइवेसी नहीं मिलती है, ना ही इसमें आपको अपनी बातों को खुलकर रखने की फ्रीडम मिलता है, और ना ही आपको इसमें जो है अपने विचारों को रखने की जो है अनुमति मिलती है। और इसमें डिसलाइक बटन न होने की वजह से लोग सोचते हैं कि सभी लोग सिर्फ जो है लाइक ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, सारी चीज़ें जो
कि टिकटॉक को बैन करने के लिए जो है काफ़ी हैं, और इसी वजह से जो है इंडिया में टिकटॉक को बैन करने को लेकर मांग हो रही है। मैं जानता हूँ कि इसके खिलाफ अभी जो है बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, क्योंकि अभी जो भी टिकटॉक से फेमस हुआ है वो यूट्यूब पर आकर जो है पैसे कमा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो टिकटॉक से फेमस होते हैं दोस्तों, टिकटॉक का जो नॉलेज होता है, टिकटॉक के जो टैलेंट होते हैं, जो टिकटॉक पर फेमस होकर टैलेंट अपने अंदर लाते हैं, वो लोग सिर्फ जो है ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पर आकर। आपको पता है कि जो टिकटॉक पर फेमस होता है वो उनका रियल टैलेंट नहीं होता है। किसी और मूवी का गाना चल रहा है, आप उस पर डांस कर रहे हो, किसी और मूवी का डायलॉग है, आप उस पर लिपसिंग कर रहे हो, तो ये आपका खुद का पर्सनल टैलेंट नहीं है। तो जब भी ये लोग जो है यूट्यूब पर आते हैं, क्योंकि दोस्तों ये लोग जानते हैं कि टिकटॉक पर केवल फेमस हो जाओ फिर यूट्यूब पर चलेंगे और वहाँ पर चैनल बनाएंगे और पैसे कमाएंगे, तो यही सोच कर जो है लोग टिकटॉक पर जो है काफ़ी तेज़ी से जो है वीडियो अपलोड करते हैं और वहाँ पे फेमस होने के बाद यूट्यूब पर आते हैं और चैनल बनाकर जो है पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन इनके एक बार चैनल पर आप जाकर देखिएगा, इनके चैनल पर सिर्फ ब्लॉग देखने को मिलेगा, ये कोई भी टैलेंट वहाँ पर नहीं दिखाएंगे जो टिकटॉक पर दिखा रहे हैं। मान लीजिए टिकटॉक पर ये लोग डांस कर रहे हैं, तो अगर आप इनका चैनल ओपन करेंगे यूट्यूब पर तो ये डांस करते हुए नहीं दिखेंगे, वहाँ पर ये जो है फैमिली ब्लॉग बनाते हुए दिखेंगे। तो जिस वजह से दोस्तों ये इनका रियल टैलेंट नहीं है, और टिकटॉक जो है किसी को भी रियल टैलेंट नहीं दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब पर अगर आप जो है काम कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इस पर जो है बंदा ज़मीन से उठकर ऊंचाई तक जाता है और जो है इस पर एक मुकाम हासिल करता है। इस पर जो फैन फॉलोइंग बनती है वो रियल बनती है, रियल टैलेंट होता है, और रियल पैसे आपको यूट्यूब डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में देता है। तो यही रीज़न है कि टिकटॉक को लेकर बैन करने की मांग चल रही है इंडिया में। और दोस्तों टिकटॉक अपने बचाव के लिए बहुत उपाय भी बना रखा है, जैसे कि अभी हाल ही में इसने जो है #EDUtalk चला रहा था, मतलब एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था। उस पर कई बड़े बड़े यूट्यूबर सेलिब्रिटी को जो है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बुलाया था। तो ऐसा करके जो है टिकटॉक अपने बचाव में जो है कुछ एजुकेशन कंटेंट को अपलोड करने के लिए सबसे अनुमति देता है कि आप जो है एजुकेशन को बढ़ावा दें, टिकटॉक के प्लेटफॉर्म का यूज करें। लेकिन दोस्तों इसी से नहीं होता है, आप अगर अपने टिकटॉक को प्लेटफॉर्म को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसको जो है प्लीज़ उसके एल्गोरिथम को चेंज कीजिए। जैसा कि यूट्यूब का एल्गोरिथम है, इसमें कोई भी वीडियो हम देखते हैं तो उसी से रिलेटेड वीडियो आती है, लेकिन टिकटॉक में जो है हम कोई भी वीडियो देखते हैं लेकिन उसके नीचे कुछ भी वीडियो चलने लगती है। तो दोस्तों इसीलिए इंडिया में टिकटॉक को बैन करने की मांग हो रही है। आपके विचार से क्या लगता है कि टिकटॉक बैन हो जाएगा इंडिया में? दोस्तों मैं मानता हूं कि पास्ट में कई सालों से ही टिकटॉक को बैन करने की मांग उठ रही है, लेकिन टिकटॉक बैन नहीं हुआ, क्योंकि इसने जो है अपनी फैन फॉलोइंग को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि इसको जो है कोई भी बैन करने का अगर मांग उठाता है तो वहाँ पे जो है उसकी मांग जो है बहुत ही पीछे हो जाती है। लेकिन इस बार जो है पूरी इंडिया की कम्युनिटी, जो भी इंटरनेट से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग जो है टिकटॉक को बैन करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों मैं मानता हूँ कि जो लोग टिकटॉक पे स्टार बन चुके हैं वो लोग नहीं चाहेंगे कि टिकटॉक बैन हो, लेकिन वो लोग भी यूट्यूब पर आकर जो है अपनी एक अच्छी कम्युनिटी बनाकर अपने अच्छे टैलेंट को दिखाकर जो है ग्रो कर सकते हैं। अगर इतना ही टैलेंट दिखाना है तो आप यूट्यूब पर आइए, खुद ही एक प्लेटफॉर्म आपके पास है, उस पर काम कीजिए और ग्रो कीजिए और रियल पैसे को कमाइए। ये नहीं कि सेलिब्रिटी के तौर पर आप टिकटॉक को ज्वाइन कर रहे हैं और वहाँ पर जो है पॉपुलर होने के बाद जो है आप एक ब्रांड बनेंगे। तो दोस्तों यही जो है टिकटॉक को बैन करने के लिए मांग उठी है, और जो है कैरी मिनाटी का एक वीडियो जो है पूरे टिकटॉक को जो है तबाह करने पर लग चुका है। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप लोग को पता चले कि टिकटॉक बैन होगा या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टेक्नोसानी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप लोगों के कमेंट का जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने बनाया था, ताकि आपको पता चले कि टिकटॉक को लेकर बैन होने की क्यों मांग उठ रही है इंडिया में। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा।